हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट सेल सर्विसेज में। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं 2 और 3 जून से जितने भी करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनने वाले हैं, सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही दोस्तों, इन करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन से जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेगा उन्हें भी हम देखने वाले हैं। और वीडियो के एंड में हम बात करेंगे डेली जीके तड़का डोज 88 की। यहाँ पे हम दोस्तों रोज़ ऐसे जीके के सिलेक्टेड क्वेश्चन करते हैं जो आपके आने वाले सभी कंप्यूटर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि पुलित्जर पुरस्कार 2022 से कितने भारतीय फोटोग्राफर को सम्मानित किया गया है। तो यह सम्मानित किया है 4 भारतीय फोटोग्राफर को। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन 2। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, रॉयटर्स समाचार एजेंसी के 4 भारतीय फोटोग्राफर की एक टीम को पुलित्जर पुरस्कार 2022 सम्मानित किया है, जिनके नाम है दोस्तों अदानन आबिदी, सना इरशाद महू, अमित दवे और दानिश सिद्दीकी। इनको यह पुरस्कार भारत में COVID-19 संकट के कवरेज के लिए फीचर फोटोग्राफी के लिए प्रदान किया गया है। पुलित्जर पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रमुख पुरस्कार है जो समाचार पत्रों की पत्रकारिता, साहित्य एवं संगीत रचना के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वालों को प्रदान किया जाता है। इसकी स्थापना दोस्तों हंगरी मूल के अमेरिकी प्रशासक जोसेफ पुलित्जर ने की थी। तो याद रखना, यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। 4 भारतीय फोटोग्राफर को सम्मानित किया गया है पुलित्जर पुरस्कार 2022 से। और अब दोस्तों हम शुरुआत करते हैं जो लास्ट क्लास में क्वेश्चन किए थे उनके रिविजन की। टाटा IPL 2022 का जो खिताब है वह किस टीम ने जीता है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो IPL 2022 है इसका खिताब जीत लिया है गुजरात टाइटंस ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। आपके लिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किस भारतीय अभिनेता को एक्सीलेंस इन सिनेमा पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया है दोस्तों नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि हाल में फॉर्चून 500 के अनुसार दुनिया के सबसे अधिक वेतन पाने वाले CEO कौन बन गए हैं? तो यह बन गए दोस्तों एलन मस्क। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने नए अंतर्राष्ट्रीय खेल परिषद की जो आधारशिला है वह कहाँ पर रखी है? तो यह आधारशिला रखी है दोस्तों अहमदाबाद, गुजरात में। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन किया है? तो यह उद्घाटन किया दोस्तों उड़ीसा राज्य में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन के हाल ही में किसने 2022 मोनाका ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब अपने नाम किया है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सर्जियो पेरेज ने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि निम्न में से किसे लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? तो मैं हाल ही में दोस्तों आपको बता दूं कि न्यायमूर्ति मोहंती जी को लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। आपके लिए अगला क्वेश्चन कि दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र कौन सा देश बनाएगा? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र है इसे बनाने वाला है कुवैत। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3, कुवैत देश। और अब हम बात करने वाले हैं आज के करेंट अफेयर्स की। और अभी तक आपने हमारे लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दे, शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो दोस्तों तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। पहला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री ने भारतीय तटरक्षक बल कमांडर सम्मेलन 2022 का जो उद्घाटन है वह कहां पर किया है? इसका उद्घाटन किया है दोस्तों नई दिल्ली में। यहां पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। तो दोस्तों, राजनाथ सिंह जो कि वर्तमान में रक्षा मंत्री है, इन्होंने भारतीय तटरक्षक बल के 39वें कमांडर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया है। इस सम्मेलन का आयोजन आतंकवाद, नशीले पदार्थ की तस्करी और समुद्री डकैत गैर पारंपरिक चुनौतियों से निपटने के लिए किया गया है। मैं आपको बता दूं, इसका जो आयोजन है वह नई दिल्ली में किया गया था। और कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? तो 39वां। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं भारतीय तटरक्षक बल मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड की। दोस्तों, इसकी जो स्थापना है वह 18 अगस्त 1978 को की गई थी। मैं आपको बता दूं कि भारतीय तटरक्षक बल दिवस प्रतिवर्ष 1 फरवरी को मनाया जाता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और महानिदेशक कौन है? तो यह VS पठानिया है। यह सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है इंडियन कोस्ट गार्ड से जो आपको याद रखना है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के 59वें
महाअधिवेशन का जो उद्घाटन है वह किसने किया है? तो दोस्तों इसका उद्घाटन किया हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने। यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन वन। तो भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने मध्य प्रदेश में उज्जैन में, मध्य प्रदेश के उज्जैन में दोस्तों अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के 59वें महाअधिवेशन का उद्घाटन किया है। आयुर्वेद का अर्थ दोस्तों संस्कृत में जीवन का विज्ञान है। दुनिया भर में विभिन्न प्रकार की चिकित्सा प्रणाली का वर्णन करने के लिए पैथी शब्द का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह किसी भी बीमारी के प्रकट होने के बाद उसके इलाज की विधि को संदर्भित करता है। हालांकि आयुर्वेद में उपचार के साथ साथ रोग की रोकथाम को प्राथमिकता दी जाती है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है दोस्तों कि अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के 59वें महाधिवेशन का जो उद्घाटन है वह किसने किया है? तो रामनाथ कोविंद जी ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन वन। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आयु नामक ऐप को किसने लॉन्च किया है? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो आयु नामक ऐप है इसे लॉन्च किया गया है बसवराज बोम्मई, जो कि वर्तमान में कर्नाटक के मुख्यमंत्री है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन टू। तो दोस्तों मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने योग के माध्यम से पुरानी बीमारियां और जीवन शैली संबंधी विकारों को दूर करने के लिए आयु नामक ऐप पोर्टल को लॉन्च किया है। दोस्तों इस ऐप को स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्था ने रीसेट टेक के साथ मिलकर विकसित किया है। मैं आपको बता दूं इस ऐप को लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? तो योग और ध्यान के माध्यम से पुरानी बीमारियां और जीवन शैली की स्थिति से निपटना है। यहाँ पे आपको याद रखना है कि आयु नामक ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो बसवराज बोम्मई ने, चूंकि वर्तमान में कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा बन गया है? तो दोस्तों यह बन गया है फ्रंटियर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन टू। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जापान का जो फुगाकू सुपर कंप्यूटर था इसको अब पछाड़ कर फ्रंटियर, जो कि अमेरिका का विकसित सुपर कंप्यूटर है, यह दोस्तों सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बन गया है। तो अमेरिका के रिकेन इंस्टीट्यूट और फुजित्सु द्वारा विकसित फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर जापान के फुगाकू सुपर कंप्यूटर को पछाड़ कर दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बन गया है। इस सुपर कंप्यूटर से दोस्तों प्रति सेकेंड 20 लियन कैलकुलेशन की जा सकती है। साथ ही यह पावरफुल कंप्यूटर से मौसम, समुद्री हलचल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समेत कई और तरह के कार्य करने में भी सक्षम है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि दुनिया का जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है वो कौन सा बन गया है? फ्रंटियर। और इसे दोस्तों कौन से देश ने विकसित किया है? तो याद रखना अमेरिका ने इसे विकसित किया है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन है, विश्व तंबाकू दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रतिवर्ष 31 मई को मनाया जाता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन वन। तो हर वर्ष 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि तंबाकू के खतरों और स्वास्थ्य पर इसके नकारात्मक प्रभाव के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना है। यहाँ पे हम बात करें विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2022 की थीम की, तो ये है तंबाकू हमारे पर्यावरण के लिए खतरा है। यह इस वर्ष की थीम आपको याद रखना है, हमारे पर्यावरण के लिए खतरा है क्या? तो तंबाकू। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन वन, मतलब 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया गया है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो मतलब BCCAS का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? यह नियुक्त किया दोस्तों जुल्फीकार हसन को। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड। तो वरिष्ठ IPS अधिकारी जुल्फीकार हसन को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। जुल्फीकार हसन दिल्ली में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के विशेष महानिदेशक के रूप में कार्यरत है। मैं आपको बता दूं कि ये जो नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो है इसकी स्थापना जनवरी 1978 में की गई थी। तो आपको याद रखना है यहाँ पे कि नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का जो महानिदेशक है वह किसे नियुक्त किया है? तो जुल्फीकार हसन को। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? इसका आयोजन हो रहा है दोस्तों अजरबैजान बाकू में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर। तो दोस्तों शूटिंग विश्व कप 2022 का जो आयोजन है वह अजरबैजान के बाकू में शुरू हुआ है।
इस शूटिंग विश्व कप में पिस्टल, राइफल और शॉटगन तीनों कैटेगरी में प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि ISF शूटिंग विश्व कप 2022 का आयोजन कहां पर शुरू हुआ है, तो यह बाकू अजरबैजान में। यहां पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। और अब चलते हैं दोस्तों आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। आज का लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो यह बन गए दोस्तों राजेश गेरा। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। तो दोस्तों राजेश गेरा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के नए महानिदेशक बने हैं। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक भारत सरकार का संगठन है, जिसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1976 में, और इसका मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में स्थित है। आपको याद रखना है, तो याद रखना आपको कि सूचना की राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं, तो यह राजेश गेरा बन गए हैं। और अब दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के डेली जीके तड़का डोज 88 की। यहाँ पे रोज दोस्तों हम ऐसा सिलेक्टेड क्वेश्चन करते हैं जो आपके आने वाले सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। भारत दुनिया में क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में कौन सा स्थान रखता है? तो मैं आपको बता दूं कि भारत दुनिया में क्षेत्रफल के आधार पर दोस्तों 7वां स्थान रखता है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे 7वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की जो राजधानी वह कौन सी थी? तो यह दोस्तों तोसाली थी, आपको याद रखना है। अशोक के आक्रमण के दौरान पर कलिंग की जो राजधानी दोस्तों वह कौन सी थी, तो यह तोसाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयन अकबरी के लेखक कौन है? तो मैं आपको बता दूं कि आयन अकबरी के जो लेखक है वह अबुल फजल है। याद रखना दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आयन अकबरी के लेखक कौन है, तो यह अबुल फजल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं? तो दोस्तों जो कोशिका है इसका बिजली घर माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो कामाख्या मंदिर स्थित है असम राज्य में। राइट आंसर है यहाँ पे असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधानसभाओं की संरचना के बारे में बताया गया है? तो यह बताया है आर्टिकल नंबर 170 में। दोस्तों भारतीय संविधान के आर्टिकल 170 में विधानसभाओं की संरचना के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की जो झील है वह कौन सी है? तो यह है वुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, रामनाथ कोविंद भारत के दोस्तों किस नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो यह 14वें नंबर के राष्ट्रपति है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियोधर्मिता की SI यूनिट कौन सी है? तो रेडियोधर्मिता की जो SI यूनिट है वह बैकरेल होती है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन से जोड़ता है? तो मैं आपको बता दूं कि सिक्किम को चीन से जोड़ने वाला जो दर्रा है उसका नाम है दोस्तों नाथुला दर्रा। याद रखना कौन सा दर्रा है, तो नाथुला दर्रा है। और अब दोस्तों हम बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की, जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। साथ ही यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आप जनवरी 2021 से मई 2022 तक करेंट अफेयर्स की PDF परचेज करना चाहते हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7566836900 पर संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको बता दिया जाएगा कि आपको PDF कैसे परचेज करना है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है आपके लिए कि रूस और फिनलैंड के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है? मतलब दोस्तों रूस और फिनलैंड के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है, आपको बताना है। साथ ही यहाँ पे दोस्तों रूस और फिनलैंड की जो राजधानी है, मतलब कैपिटल है, ये भी आपको बताना है। तो आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है, और आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती हो तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।